हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ले जाने आया हूँ इबिसा आइलैंड की सैर पर। इबिसा आइलैंड जो है वो मध्य सागर में स्थित एक आइलैंड है। ये पूर्वी स्पेन में वैलेंशिया शहर से 79 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बालियारिक आइलैंड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। इबिसा में हर साल हजारों सैलानी आते हैं। 1999 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थान घोषित किया गया था। इस टापू का मूल नाम जो है वो इबिसा है, लेकिन स्पेन में इसको इबिसा लिखा जाता है, मीन्स स्पेनी लैंग्वेज में इसको इबिसा लिखा जाता है। इस टापू का टेम्परेचर नॉर्मली ठंडा ही रहता है, कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, वरना यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास ही रहता है। यह आइलैंड इतना खूबसूरत है कि इसके आगे दूसरे देश के टूरिस्ट इसको थोड़े फीके पड़ जाते हैं। अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाइएगा इस प्लेस पर और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।